वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया केंद्रीय बजट। बजट में रोजगार, कौशल और मध्यम वर्ग समेत महिला, युवा, किसान पर ध्यान केंद्रित किया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, इनकम टैक्स में हुई कटौती। 3 लाख रुपए तक आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। युवाओं की पहले जॉब की 15,000 रुपए की सैलरी सरकार देगी। टॉप कंपनियों में 5 साल में युवा को ट्रेनिंग के दौरान 1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए भत्ता। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुई। मोबाइल फोन और पार्ट्स पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% तक घटी। आज बजट के ऐलान के साथ ही साथ शेयर बाजार निवेशक हुए परेशान, डूब गए 10 लाख करोड़ रुपए। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स को बदल दिया है और 17,500 रुपए तक की अब बचत होगी। बजट के बाद पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, बोले आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति। ये कुर्सी बचाओ बजट है, अपने मित्रों को खुश करे आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। मोदी 3.0 बजट पर राहुल गांधी का तंज। आज मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। समुद्र किनारे हाई टाइड का खतरा। मुंबई में बारिश के कारण 10% पानी कटौती रद्द होने की हो सकती है संभावना। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी राज ठाकरे की मनसे। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाले 2 जलाशय लबालब भर गए। योगेश्वरी विलिपार्ले के बीच रुकी कार, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर 3 गुना ट्रैफिक आया नजर। घरवालों को बोला मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं, फिर समंदर में कूद गया डायमंड कारोबारी, मुंबई का मामला। पुणे में फिर कोयता गिरोह का आतंक, एक युवक से मारपीट कर 14,000 रुपए लूटे। बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर दहानू रोड स्पेशल ट्रेन रतलाम होकर चलेगी, उज्जैन नगदा में भी दिया ठहराव। मुंबई के धारावी इलाके में निर्माणधीन बिल्डिंग गिरी, 9 महीने के बच्चों सहित 3 लोग हुए घायल। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार ऑटो ने पैदल यात्रियों को कुचला, एक की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। बजट के बाद ही सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। सोना 70,860 रुपए तोला तो वे चांदी 88,000 रुपए किलो। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को मिलेगा लाभ।